हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय डीएफए, यानी कि एक स्ट्रिंग डीएफए को एक्सेप्ट करती है या नहीं, या एक डीएफए द्वारा ये स्ट्रिंग जो दी हुई है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन टेबल है। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन डायग्राम दिया है तो उसको आप ट्रांजेक्शन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास ट्रांजेक्शन टेबल दी हुई है तो उसको ट्रांजेक्शन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रांजेक्शन टेबल से ट्रांजेक्शन डायग्राम और ट्रांजेक्शन डायग्राम से ट्रांजेक्शन टेबल में कन्वर्जन आपको बताया हुआ था। तो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन टेबल है और ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको हमें चेक करना है क्या ये स्ट्रिंग्स इस डीएफए द्वारा एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये डीएफए है या नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे हमें स्टेज पर एक स्टेट पर एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, यहाँ एक से ज्यादा आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा डीएफए है और ये हमारी स्ट्रिंग है। तो हमारे पांच बेसिक कंपोनेंट जो होते थे वो थे सिग्मा यानी कि इनपुट सिंबल, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, हमेशा इनिशियल स्टेट के आगे एरो लगाना अनिवार्य है, ये एरो लगाए बिना हम ये नहीं बता सकते कि ये इनिशियल स्टेट है। क्यू एफ यानी कि फाइनल स्टेट, जब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं तो सिंगल सर्किल, और जब हम ट्रांजेक्शन डायग्राम बनाते हैं तो डबल सर्किल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू सेट ऑफ स्टेट, इन सारे स्टेट का एक सेट होता है उसको बोलते हैं क्यू, और ट्रांजेक्शन फंक्शन जिसके थ्रू क्यू नॉट पे हम अगर हम वन इनपुट देंगे तो हमारा क्यू टू मिलना चाहिए। तो हम ट्रांजेक्शन फंक्शन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन फंक्शन वन वन जीरो 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 वन, ये हमारा ट्रांजेक्शन फंक्शन है। इसका हमें निकालना है क्या हमारा वैल्यू आती है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये गौर करने वाली बात यह है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी है लेकिन हमें ट्रांजेक्शन टेबल तो सिंगल इनपुट के लिए बनाई गई है, या तो जीरो या वन। तो हमारे एक ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांजेक्शन ए वी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन फंक्शन ए, और इसको लिख सकते हैं बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्टेज आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन फंक्शन यहाँ पे स्टेज रहेगी क्यू नॉट। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे यानी कि इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, बाकी स्ट्रिंग को एज इट इज रहने देंगे। तो क्यू नॉट पे इनपुट वन मिलने पे हमें कौन सी स्टेज मिलने वाली है, क्यू नॉट पे इनपुट वन मिलने पे हमें मिल रही है क्यू वन, तो डेल्टा इन दोनों की जगह हमारा आ जाएगा क्यू वन और बाकी स्ट्रिंग एज इट इज 1001। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, क्यू वन पे इनपुट दें वन, क्यू वन पे इनपुट दें वन, तो हम कहाँ आ जाएंगे, फिर से हम आ जाएंगे क्यू नॉट पे 001, ये स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी। अब हम इसको और इसको कंपेयर कराते हैं, क्यू नॉट और क्यू नॉट पे अगर हम जीरो इनपुट देंगे तो कहाँ हम पहुंचेंगे, क्यू नॉट पे अगर हम जीरो इनपुट देते हैं तो हम क्यू टू पे पहुंचेंगे। तो इन दोनों की स्पेस पे हम लिख देते हैं क्यू टू और बाकी स्ट्रिंग एज इट इज 001। अब हम देखते हैं क्यू टू और क्यू जीरो, अगर हम क्यू टू पे जीरो इनपुट दें, क्यू टू पे जीरो इनपुट दें तो फिर से हम क्यू वन पे आ जाते हैं, डेल्टा क्यू नॉट और 01। अब हम क्यू नॉट और वन को कंपेयर कराएंगे, क्यू नॉट पे अगर हम जीरो इनपुट देते हैं तो कहाँ आएंगे, क्यू टू पे, डेल्टा क्यू टू और यहां बचा हमारा ओनली वन। अब क्यू वन और हम क्यू टू पर हम अगर इनपुट वन देते हैं, क्यू टू पे इनपुट वन देते हैं तो हम आते हैं क्यू थ्री पे, और क्यू थ्री हमारी फाइनल स्टेट है। और अगर ये हमारी फाइनल स्टेट, हमें स्ट्रिंग के लास्ट में फाइनल स्टेट मिलती है तो इसका मतलब ये हमारा एक्सेप्टेबल है, ये स्ट्रिंग जो है हमारी एक्सेप्टेबल है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा हम अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। अब इसका हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये हमारा एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो डेल्टा क्यू नॉट से हम शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारा 1 है,
हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, क्यू नॉट पे हम इनपुट जब वन देंगे तो हमारा आएगा क्यू वन डेल्टा क्यू वन, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, क्यू वन पे हम इनपुट बन देंगे, क्यू वन पे इनपुट बन देंगे तो फिर से हम जाएंगे क्यू वन सॉरी क्यू नॉट वन 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 वन, उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो क्यू नॉट पे अगर हम वन इनपुट देंगे, क्यू नॉट पे वन इनपुट देंगे तो फिर से हम जाएंगे क्यू वन पे वन 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 वन, क्यू वन पे हम इनपुट देंगे वन का तो फिर से जाएंगे हम क्यू नॉट पे क्यू नॉट वन वन वन, क्यू नॉट पे हम इनपुट देंगे वन का, क्यू नॉट पे इनपुट देंगे वन का तो फिर से जाएंगे हम क्यू वन पे वन वन, फिर क्यू नॉट पे हम अगर इनपुट क्यू वन पे इनपुट देंगे वन का तो फिर से जाएंगे हम क्यू नॉट वन, और इस पर फाइनली क्यू नॉट इनपुट वन पे जाएगा क्यू वन। इट इज नॉट फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट नहीं है क्यू वन, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है बाय दिस डीएफए। अगर यहाँ पे हमें फाइनल स्टेट मिल जाती लास्ट में, मैं बीच में क्या कौन सी स्टेट का ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस लास्ट में हमें फाइनल स्टेट मिलनी चाहिए। अगर हमें फाइनल स्टेट मिल जाती है तो हम कहेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है, ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल थी, ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए तो अब इसका ट्रांजेक्शन डायग्राम हम बना देते हैं दोनों का। पहला हमारा है तो क्यू नॉट से हम शुरू करते हैं, जब हम इस पे वन इनपुट देंगे, वन इनपुट देंगे क्यू वन पे क्यू नॉट पे तो हम कहाँ पहुंचेंगे क्यू वन, क्यू वन पे फिर हम फिर से वन इनपुट देंगे, क्यू वन पे फिर से वन इनपुट देंगे तो हम पहुंचेंगे क्यू नॉट। हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले मैं स्टेट लाइन में इसको बता दूं, उसके बाद क्या करेंगे हम क्यू नॉट पे हैं उसके बाद हमें इनपुट मिला जीरो तो हम पहुंचे क्यू टू पे, क्यू टू से फिर हमें जीरो, क्यू टू पर जीरो तो क्यू वन, क्यू वन से हमें फिर जीरो जीरो, उसके बाद फिर से हमें यहाँ जीरो मिलता है सॉरी क्यू नॉट, क्यू नॉट से हमें अगेन जीरो मिलता है तो हम पहुंचते हैं क्यू टू पे, और क्यू टू से हमें मिलता है वन तो हम पहुंचते हैं क्यू एफ पे, यानी कि क्यू थ्री पे जो हमारी फाइनल स्टेट है, और ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अब इसको मैं अभी और अच्छे से बताऊंगा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब हम क्यू टू दूसरी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो क्यू नॉट वन क्यू वन वन क्यू नॉट वन क्यू वन वन क्यू नॉट वन क्यू वन वन क्यू नॉट वन क्यू वन, और हमें यहाँ पे क्यू वन मिला जो कि हमारी फाइनल स्टेट नहीं है। तो अभी आपको समझ में आया ये कैसे इसको ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक थिंग्स हैं जो आपको आने चाहिए क्योंकि आगे इसका यूज करना पड़ेगा। अब हम इसको जो ट्रांजेक्शन डायग्राम है इसको देखिए, क्यू नॉट कई बार आया तो इसको और अरेंज कर सकते थे, क्यू वन वन इनपुट पे क्यू वन पे गया और इस पे वन इनपुट मिला तो ये सेम वापस आ गया, उसके बाद इस पे क्यू नॉट पे जीरो इनपुट मिलता है तो ये क्यू टू पे चला जाता है, और क्यू टू पे जीरो इनपुट मिलने पे कहाँ जाएगा क्यू नॉट पे, तो ये जीरो इनपुट पे सेम रिपीट होके आ जाता है। इसको मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको बता सकूँ। ये देखिए क्यू नॉट वन इनपुट पे गया क्यू वन पे, फिर वन इनपुट पे लौट के आया, उसके बाद यहाँ से फिर से जीरो इनपुट मिला इसको तो ये गया क्यू टू पे, और अगर जीरो इनपुट इस पे यहाँ पे इसको फिर से जीरो मिलता है तो लौट के आता है, उसके बाद क्यू नॉट, क्यू नॉट के बाद फिर से जीरो मिलता है तो कहाँ जाएगा क्यू टू पे, और क्यू टू से इसको वन मिलता है, वन मिलता है तो ये जाता है क्यू थ्री पे जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये हमारा ओरिजिनल ट्रांजेक्शन डायग्राम है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रांजेक्शन डायग्राम है। तो ये हमारा इस डायग्राम से हमने ये टेबल बनाई होगी या इस टेबल से हम ये डायग्राम बना सकते हैं। ये तो था हमारा डीएफए में स्ट्रिंग की एक्सेप्टेबिलिटी। अब एनएफए में क्या होता है, एनएफए की बात अगर हम करें तो यहां पे हमें आपको बता दूं एनएफए एक्चुअली में होता क्या है। एनएफए में यहां पे टेबल के अंदर
एक से ज्यादा इनपुट, एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या एनएफए होता है, उसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, कैसे उसको एक्सेप्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, सीखते रहिए।